साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी हुई है। जहां टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा में क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गौर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की परेशानी और बेरोजगारी को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, जहां एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गौर के द्वारा नगर बलदेवगढ़ में एनएसयूआई एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, जहां किसानों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से काबिज सरकार है, जो प्रदेश में व्यापक रूप से भ्रष्टाचारी और ये बेरोजगारी, अन्य समस्याएं, वादा खिलाफी, किसान परेशान, महंगाई, विद्युत कटौती, इन सभी समस्याओं को लेकर क्षेत्र में अवर्षा के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, सूखा जैसे हालात बन रहे हैं। सरकार द्वारा सिर्फ वादा खिलाफी की जा रही है। अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए 450 रुपये में सिलेंडर देने के लिए वादा किया था, जो आज तक नहीं मिला। ऐसे ही लगातार 18 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार जो है जनता से झूठे वादे करती आ रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को निश्चित ही ऊपर पहुँचाएंगे। अब देखना है होता क्या है। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? इसको और उग्र आंदोलन किया जाएगा और एसडीएम कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय। प्रशासन की ओर से आपने कितना समय मांगा है? हमने प्रशासन को अभी अल्टीमेटम वैसे टाइमली नहीं दिया, लेकिन अगर 15-20 दिन में कुछ नहीं होता है तो फिर अगला हम लोगों का कदम होगा जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन ज्ञापन। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम बलदेवगढ़ ने मीडिया से चर्चा करते हुए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को देने के साथ कार्रवाई करने की बात कही। किसी प्रकार का घेराव आदि नहीं किया गया है, घेराव की कोई अनुमति भी नहीं दी गई थी। वो अपनी कुछ बात रखना चाहती थी एक ज्ञापन के तौर पे और एक जुलूस के तौर पे, तो उसमें आपका बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ऐसे कुछ मुद्दे उन्होंने उल्लेखित किए हैं। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, करीब 50-60 व्यक्ति थे और उनका ज्ञापन लिया गया है। प्रशासन उसको जो है वो संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई करेगा। वहीं अब इस पूरे मामले में आगे देखना होगा कि जिला प्रशासन क्षेत्र के किसानों की परेशानी को दूर करने का प्रयास करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, टीकमगढ़।